दोस्तों, मेरा नाम विशाल गुप्ता है और आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता ये है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब होता है कि हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इस चैप्टर में हम टोटली हीट एंड मोशन पढ़ेंगे, मतलब कि हीट किस तरह मोशन करता है, हम टोटली और टोटली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स का जनरली मतलब तो हमारा हो गया हीट, लेकिन हीट एक तरह का क्या है, एनर्जी है। अगर हीट की बात किया जाए तो हीट हमारा जो है एक टाइप का क्या है, हमारा एनर्जी है। और एनर्जी के ही बारे में हमको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ाई करना है। और हीट, क्योंकि जनरली हम लोग हीट हम लोग पढ़े हैं, तो हीट क्या होता है, हीट हमारा जैसे कि कोई भी दो बॉडी है, जैसे कि मान लेते हैं एक में पानी यहाँ तक, टोटली यहाँ तक भरा है, और दूसरे में पानी यहाँ तक भरा है। तो पानी का जो फ्लो होगा कहाँ से कहाँ की ओर होगा, ए और बी है, तो पानी का फ्लो हमेशा बी टू ए होगा, क्योंकि हाई लेवल टू लो लेवल तक होगा। इसी तरह कोई भी एक शिक्षक है किसी भी बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ज्ञान का जो फ्लो होता है, क्योंकि टीचर्स के पास ज्ञान ज़्यादा है, तो हाई टू लो लेवल पे, तो टीचर के ज्ञान से स्टूडेंट के ज्ञान पे जाएगा। तो इसी तरह हीट इन मोशन, तो हीट हमारा क्या करेगा, मोशन करेगा। यही चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकीय चैप्टर का नाम है, और थर्मोडायनेमिक्स यही होता है कि इस चैप्टर में हम टोटली हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट किस तरह मोशन करता है। तो आपको पता चल गया हीट किस तरह मोशन करेगा, हीट हमारा हाई हीट से लो हीट, मतलब कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगा, लेकिन कहाँ से कहाँ की ओर, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की ओर। ठीक, अब ये तो बात हो गई हमारी थर्मोडायनेमिक्स की। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में हमारे किसके बारे में हमको अध्ययन करना है या पढ़ाई करनी है, सिस्टम एंड सराउंडिंग की, तंत्र तथा परिवेश। अब ये सिस्टम एंड सराउंडिंग होता क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कि अगर हम किसी ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, मतलब कि जहाँ पे हम लोग हैं टोटली हम क्या हैं, एक यूनिवर्स में हैं, एक ब्रह्मांड में हैं। तो मान लेते हैं ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का वो विशिष्ट भाग जो अध्ययन के अंतर्गत है तथा जिसकी सीमाएं सुनिश्चित हैं, तंत्र कहलाता है। अब बात करते हैं तंत्र, ये तो बोल दिया एक परिभाषा या डेफिनेशन, लेकिन तंत्र को हम इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं। अगर हमें इसको जनरली समझना है तो मान लेते हैं कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में कोई बॉटल रखा है, ठीक है, बॉटल में अगर आप पानी रखे हैं, मान लीजिए बॉटल है, बॉटल में हमने पानी रखा, बॉटल में बस हमने पानी रखा और वो मेज पे है, मान लेते हैं मेज पे, तो हम जनरली किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉटल के पानी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सिस्टम हो गया। इसी तरह अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम टोटली और टोटली कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, इस कॉपी के नोट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो ये कॉपी का जो पूरा नोट्स हो गया, ये हमारा तंत्र कहलाएगा या सिस्टम कहलाएगा। और कॉपी किसके ऊपर रखा गया है, कॉपी हमारा इस मेज के ऊपर रखा गया है, तो मेज हमारा सराउंडिंग कहलाएगा, सराउंडिंग या परिवेश कहलाएगा। और ये हमारा जो टोटल रूम है, ये टोटल रूम भी हमारा सराउंडिंग कहलाएगा, मतलब परिवेश। और परिवेश किसके अंतर्गत आता है, हमारा यूनिवर्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये हमारा तंत्र तथा परिवेश हो गया। अगर आपको तंत्र तथा परिवेश में अभी भी दिक्कत है, तो मान लेते हैं आप क्लास में जाइए, ठीक है, क्लास में किसी को घूरिए, किसी एक को घूर लीजिए, किसी एक को मतलब कि किसी एक को घूरते हैं। अगर मान लेते हैं आप लड़के हैं, लड़का हैं, तो आप किसी लड़की को ही घूर रहे हैं, तो वो लड़की पर्टिकुलर आपके लिए क्या हो गई, सिस्टम हो गई, और पूरा क्लास हमारा परिवेश हो गया या सराउंडिंग हो गया। ठीक है, और ये टोटल किस में आता है, यूनिवर्स में आता है। तो इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल लेके समझाया है कि एक वाटर है हमारा बीकर में है, तो ये बीकर में जो वाटर है वो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, इसको हम इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब बीकर की जो दीवार है ये बाउंड्री है, ठीक है, और जो बाहर अगर हम मेज पे रखे हैं, अब मतलब तंत्र के जो बाहर है, सिस्टम के जो बाहर है, वो टोटली हमारा बाउंड्री का काम करता है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे जो बीकर की दीवार है, अब बीकर की दीवार जो है वो हमारी बाउंड्री की काम करती है। किसकी काम करती है? बाउंड्री की। अब बाउंड्री कैसा हो सकता है? तो बाउंड्री हमारा जो होता है वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक मतलब रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है, ठीक है। अब वास्तविक हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है, रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमारा पानी है, पानी किसी सिस्टम में है, मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो बीकर का जो वॉल है, दीवाल है, वो हमारा यहाँ पे वास्तविक है, क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है पानी से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर। लेकिन अगर हमारा गैस में बदलेगा, मान लो पानी को हमने हीट किया तो वो गैस में बदलेगा, तो क्या ये, अगर गैस में बाई चांस हमारा बदल गया तो क्या ये हमारा यहाँ पे जो दीवाल है, मान लो यहाँ पे भी तो एक वॉल है, लेकिन वो इमेजिनरी वॉल है, ये बस हमने कल्पना किया है, काल्पनिक है, ये कोई रियल वॉल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और यहाँ गैस, इन दोनों के बीच भी एक वॉल होगा जो कि हम बस कल्पना कर सकते हैं, ये कोई भी रियल वॉल नहीं है। लेकिन ये वाली जो वॉल है बाहर और अंदर, जो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ये हमारा क्या है? रियल वॉल है। लेकिन अगर जो हमारा वाटर, मतलब जो लिक्विड में है और जो हमारा वेपर फेस में है, इन दोनों के बीच जो वॉल है, वो हमारा वॉल क्या है? हमारा इमेजिनरी वॉल है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया तंत्र, सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं, तो यूनिवर्स होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्स इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक। तो ये हमारा होता है टोटली। अब बात करते हैं तंत्र, सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अब सिस्टम हमारे तीन तरह के होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। सिस्टम हमारे तीन तरह के होते हैं, ये किस किस तरह के होते हैं? ओपन सिस्टम होता है हमारा, क्लोज्ड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब हम बात करेंगे तीनों की अलग अलग बारे में। अब ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, अब होते क्या है ये, अब तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओपन सिस्टम होता ये है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे ओपन सिस्टम में हमारा, मान लेते हैं ऐसा सिस्टम जहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होता है, ऐसा जहाँ पे हीट तथा द्रव्यमान दोनों ट्रांसफ़र होते हैं, वो हमारा ओपन सिस्टम होता है। जैसे कि मान लो कि किसी बीकर में पानी रखा हुआ है, पानी को जब गर्म किया तो क्या हुआ हमारा, पानी का जो टेम्परेचर, वो वाटर क्या हुआ हमारा, 373 केल्विन पे वेपर में बदला, तो वहाँ पे मास में कुछ कमी आया, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान ट्रांसफ़र हो रहा है, मास ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस लेवल में कुछ कमी आया, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ क्या हुआ, मास हुआ। लेकिन एक बात और होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे सिस्टम को, तो सिस्टम को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफ़र वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होगा अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र हुआ। तो हीट ट्रांसफ़र जब होगा तो हम ये बोल सकते हैं ये ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का ये डेफिनेशन भी होता है, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड ट्रांसफ़र ऑफ मास दोनों हो। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड ट्रांसफ़र ऑफ मास जब दोनों होता है, तो उस सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ये क्या ये बात समझ में आया? फिर इसके बाद हम चलते हैं, सेकेंड आता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम को हिंदी में संवृत कहते हैं। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड सिस्टम सेम इसी तरह है, लेकिन इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ हीट तो होता है, हीट ट्रांसफ़र होगा, ऊर्जा हमारा ट्रांसफ़र होगा, बट यहाँ पे हमारा मास ट्रांसफ़र नहीं होता। अब सोच रहे होंगे सर मास नहीं ट्रांसफ़र होता है, तो मास क्यों नहीं ट्रांसफ़र होता है? तो एक सिस्टम लेते हैं, मान लेते हैं आप बीकर लिए घर में, या एक आप घर पे कोई बर्तन लिए, उसमें पानी डालें और उसे किसी से प्लेट से ढक दें। अब क्या हुआ, पानी को गर्म करते गए तो पानी में जो वाटर होता है, पानी जो है वो क्या होगा, वेपर में बदलेगा, तो वो क्या होगा, हमारा वेपर फेस में आएगा। लेकिन क्या है, प्लेट उसको एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दे रहा, और एटमॉस्फेयर में नहीं जाने दे रहा, प्लेट से फिर वो पानी कंडेंस होकर ठंडा होकर फिर वो वाटर में आ जा रहा है, वेपर से वाटर में आ जा रहा है। तो
मास तो सेम रह गया लेकिन हीट ट्रांसफर होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग सिस्टम होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। इस सिस्टम को हम लोग क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, हिंदी में एकल तंत्र कहते हैं। अब एकल तंत्र क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे नेवर ट्रांसफर ऑफ हीट एंड नेवर ट्रांसफर ऑफ मास, मतलब कि जहाँ पे ट्रांसफर ना तो हीट का होता है ना तो मास का होता है, इस ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि आजकल बात भी हो रहा है आइसोलेशन में जाना, किसी को कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना हो जा रहा है तो वो आइसोलेट हो जा रहा है, मतलब कि वो ऐसे रूम में जा रहा है ना तो बाहर के एटमॉस्फेयर से उसको मतलब है ना अंदर से कोई बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास ट्रांसफर होगा, ना तो वो बाहर गया मास ट्रांसफर हुआ, ना तो बाहर का कोई वातावरण एयर अंदर आया, ठीक है। तो ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम होता है, मतलब कि जैसे कि आप थर्मस घर पे देखे होंगे कि ऐसा चाय वाला थर्मस होता है कि चाय डाल दिया, सुबह डाल दिया, शाम तक वो ना तो वहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा और ना तो वहाँ मास ट्रांसफर होगा। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये तो हमारा टोटली इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया हमारा किस चीज़ का, थर्मोडाइनमिक्स का। थर्मोडाइनमिक्स का स्टार्टिंग हमारा इसी पॉइंट से चलता है और ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। अब धीरे धीरे हम इस पर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।